वह क्या बात हुई, क्यों रुक कतार रखा? तेरा कॉल लेटर आया, तेरी सरकारी नौकरी लग गई। अच्छा जी, यार ला तेरा लाख लाख शुक्र। यार तूने कितनी रिश्वत दी जो तेरी सरकारी नौकरी लग गई? रिश्वत उस दिन तेरी सामने दी थी। उस दिन का? चल फ्लैश बैक में ऊपर को देख। भाई मैं तो तेरी इस जमीन के 5 लाख दे सकूं। 5 लाख? अजी नहीं, जमीन बढ़िया मौके पर, देख लो थोड़े बहुत बढ़ा दो। ना भाई ना, मेरी नजर में तो 5 लाख की, तुझे देनी हो तो बता। अच्छा कोई नहीं जी, चलो तुम रख लो इतने में, और क्या। ठीक है भाई, ले तू ये 20,000 एडवांस पकड़, बाकी दे दूंगा सांझ को तुझे। ठीक है भाई। ठीक यार, टीटले तूने इतनी अच्छी जमीन क्यों बेच दी? यार तुझे तो पता ही, मैंने इतनी मेहनत तो पढ़ाई करी। हरिप जहाँ भी मैं नौकरी मांगने जाऊँ ना, वही रिश्वत मांग। हरिप इन पैसे देना, मैं रिश्वत देकर कोई अच्छी सी नौकरी हासिल करूंगा। वो प्रधान क्या होगा भाई, बहुत टेंशन में लग रहा है यार। अरे यार क्या बताऊँ टीटले, अब्बा की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब हो रही, और डॉक्टर ने कहा 2 दिन के अंदर ऑपरेशन करवा ले, और पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा यार कहीं तो। अगर ऑपरेशन ना हो ना 2 दिन में तो बस तुझे बताइए। अच्छा पर प्रधान टेंशन ना ले तू, ये पकड़ पैसे। टीटले एक मिनट को, कोने में ये पेड़ दिए पैसे। हाँ बता क्या कहे। अबे क्या कर रहा है, पैसों की तुझे जरूरत है, तेरी नौकरी के लिए ये पैसे। भाई इस टाइम ना नौकरी नहीं जरूरी है, किसी की जान जरूरी। आजा ले भाई ये ले पैसे तू, हर अपने अब्बा का ऑपरेशन करवा ले इनका। या अल्लाह इस भाई ने मेरी मदद करी, तू इसकी मदद करिए। देखा भाई एलेच, गरीब की दुआ में ना बहुत ताकत हो है। अगर हम किसी गरीब की मदद करे ना तो अल्लाह ना हमारी मदद करे। जिंदगी 2 दिनों की है, किसी गरीब की मदद करो और पूरी जिंदगी खुशी से जियो।